देश भर में चल रहे लोकसभा चुनाव के चलते राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है और राजनेता एक दूसरे पर जमकर जुबानी हमले कर रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही बघेल ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल से लोकसभा चुनाव का टिकट देने पर तंज कसा है। मुख्यमंत्री बघेल ने शनिवार को छत्तीसगढ़ के बिलाईगढ़ में टुंड्रा की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा पर आतंक फैलाने वालों को टिकट देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में ऐसे लोगों को खड़ा किया जा रहा है जो शहादत पर सवाल उठाते हैं और लोगों को चाकू मारते हैं। सीएम बघेल ने कहा कि शहीद करकरे पर दिए गए बयान के लिए पीएम और शाह माफी मांगे। करौदा में भी गाड़ी को लेकर मारपीट भी की। शहीदों पर सवाल उठाने वाली साध्वी प्रज्ञा को छत्तीसगढ़ के लोगों से बेहतर कौन जानता है। यहाँ साध्वी प्रज्ञा अपने जीजाजी के साथ रहती थी। एक मामूली विवाद में उन्होंने शैलेन देवांगन नाम के व्यक्ति को चाकू मार दिया था। कुछ लोग बीच बचाव न करते तो शैलेन की जान जा सकती थी। साथ ही उन्होंने कहा कि आखिर ऐसे लोगों को टिकट देकर भाजपा अपना कौन सा चेहरा दिखाना चाहती है। भाजपा को सही कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, इसलिए वे आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोगों को प्रत्याशी बना रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा ने 2001 में बिलाईगढ़ के शैलेन देवांगन के सीने पर चाकू से हमला किया था। बता दें कि बीते दिनों प्रज्ञा ठाकुर ने 26/11 हमले के दौरान शहीद हुए हेमंत करकरे को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा था कि हेमंत करकरे की मौत उनके श्राप देने के कारण हुई थी, जिसको लेकर काफी सियासी बवाल भी खड़ा हुआ था। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।